ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋହତ୍ୟା, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଭୃଣ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପିତାମାତା ହତ୍ୟା, ଏଇ ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ମହାପାପ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ବର୍ଜିତ। ପଞ୍ଚ सर्वाग्री मध्य गुरुपाद पद्म नित्यानंद अभिन्न संबंध ज्ञान प्रदाता नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनावि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूछि। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्त को मुझे यथाज्ञ प्रणाम जनावि। आजकार विषय वस्तु हैला ये एकादशी व्रत को मान को करवा दरकार एवं एकादशी संबंध रे शास्त्र रे कौन की प्रमाण अच्छी ना वैष्णव माने तांकर मनमानी इच्छा रे से गोटे व्रत को से कर कुछ दिन ना शास्त्र रे बहुत प्रमाण यही एकादशी विषय रे अच्छी। भागवत ग्रंथ को माना जाय छी ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। तेणु गरुड़ पुराण रे कहते बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणां भारत अर्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। अर्थ हैला जिते वेद वेदांत उपनिषद पुराण कद सर्व वेदांत सार ही श्रीमद भागवत मिश्यते तत्रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्याद रति क्वचित। यदि ଭାଗବତର ରସ ଯଦି କେହି ପାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ରସରେ ତାଙ୍କ ରୁଚି ରୁହେ ନା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ପୁରାଣ ଅମଳମ୍। ତାକୁ ଅମଳ ପୁରାଣ କୁହାଯାଇଛି। ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଷ ମହାରାଜ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ କର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଅଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? କାରଣ ମା ଯଶୋଦା ବିଧବା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ଆମେ କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋମତୀ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ମା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା। ଓ ତାଙ୍କ ମା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ମା ଥିଲେ, ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ବୋଲି କୁହ। କ'ଣ ତୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ? ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଏକ ଦିନ ମାତାର ପଦେ କରିଆ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ କହେ ମାତା ମୋରେ ଦେହ ଏକ ଦାନ। माता बोले ताई दिव तुमि जा मागिवे प्रभु बोले एकादशी तिथि ते अर्ण ना खाइबे सची कहे ना खाइब भाई भालई कहिला सही है ते एकादशी करिते लागिला। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहले माँ गोटे जिनिष मागुचे आपण को पाखरु आपण एकादशी ବ୍ରତ କୁ ଆପଣ କରିବେ। ତ ମା କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିବି ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଦିନରୁ ମୁଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିବିନି। ସାକ୍ଷାତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ସଚିଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତଟାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ସ୍ୱୟଂ ଅମ୍ବରୀଷ ମହାରାଜ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକଛତ୍ର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମଥୁରାକୁ ଯାଇକରି ନିଜ ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନିୟମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଯଦି କିଛି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇକରି ବ୍ରତ ଖୋଲା ହୁଏ
व्रतर विशेष बल प्राप्त हुई। अम्बरीश महाराज संतुष्ट हो गले। आज आम घर को साधु दुर्वासा ऋषि से शिवंकर सी हेले अवतार हेले हमको भोजन करी मु व्रत खोलि। ताकू कहले आपण जमुनारे स्नान करिवा करिकरी आसंतु किंतु कौन से कारण डेरी हेले सही व्रत खोलिवार समयटी चली जाउथिला। से ब्राह्मण मानकर परामर्श नेगिरी टिके खाली पानी टिके पी देले बोली जेतेले दुर्वासा जानी पारिले से तांक उपरे क्रोधित होई तांक मारिया पई चेष्टा करले। से राक्षस को प्रकट करले किंतु अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करथिले महाप्रभुंकर एकांत भक्त तेणु जो माने भगवान कर भक्त हुएती तांको सब समय सुदर्शन चक्र तांको रक्षा करे। तेणु सही समय सुदर्शन चक्र प्रकट होकर प्रथम से राक्षस को मारे ता पचर सीए दुर्वास ऋषि पचर सीए दौड़ा आरंभ करले। दुर्वास ऋषि प्रथम ब्रह्मा को पाख गले ब्रह्मा तांको रक्षा करले से शिव पाख गले शिव तांको रक्षा करले शेषे से वैकुंठ को साक्षात महाप्रभु नारायण पाख गले किंतु नारायण मध्य रक्षा करले ना से कहले दुर्वासा यदि गोड़े जब कंटा फुटे से कौन मुंडे बाहर जो पटे फुटी से पटे बाहर तू अपराध कर भक्त चरण रे आमर ओडिया कीर्तन करते ना एका तू भक्त जीवन भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह एका तू भक्त जीवन हेले भक्त मोर हृदय अच्छा मो भक्त हृदय रोचे दया हृदय दई हुए किंतु मो पाखे तो मोर हृदय ना मोर हृदय तो मो भक्त पाखे अच्छी तेणु आपन को जाकि अम्बरीश महाराज चरण से तुमको क्षमा प्रार्थना करने को हम से अम्बरीश महाराज को पाख को आसिक क्षमा प्रार्थना करले। तेणु शिक्षा दौंट जो मैंने एकादशी व्रत करती साक्षात सुदर्शन चक्र महाप्रभुकर सब समय रक्षा करती। तेणु अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करते पत्नी से मध्य एकादशी व्रत करते से कौन विधवा थे से विधवा नथिले। तेणु रुक्मिणी सत्यभामा मध्य पूर्व जन्म एकादशी करते महाप्रभु ताकि पति रूप से प्राप्त हेले। तेणु एकादशी बहुत महत्व शास्त्र कहुची तेणु एकादशी केते वर्ष नहीं करते वर्ष करवा दरकार बोले अष्ट वर्षाधिक मत्स शशीति नैव पूर्जते नियम होची आठ वर्ष नहीं अस्सी वर्ष पर्यंत एकादशी व्रत करवा दरकार अच्छे तार आगे यदि न करती आठ वर्ष आगे आपण कौन सी क्षति हेबानी अस्सी वर्ष पर यदि न करती साथी किसी क्षति ना। तेणु एकादशी दिन अर्ण रे गोहत्या नरहत्या ब्रह्महत्या भ्रूण हत्या एवं पितामाता हत्या ये पांचटी महापाप एकादशी दिन अर्ण रे आश्रय करके रुहंती। तेणु नियम होची एकादशी दिन पंच शस्य वर्जित पंच शस्य कण प्रथम नंबर हैला अर्ण चावल देकर जा होची द्वितीय नंबर होची गहम तृतीय नंबर होची जव चतुर्थ नंबर होची जते प्रकार डाली पंचम नंबर होची सोरिष यही पांचटी रबी शस्य वर्जित किंतु कई कई माने अर्ण तो खाते नहीं किंतु रोटी लुची पूरी खाते बोले एटा मध्य अर्ण भितर आसे। तेणु यही समस्त वस्तु को परित्याग करी शुद्ध रूप से एकादशी व्रत करवा दरकार जमी आप आलु तरकारी खाई एवं अमृत भंडा कंचा कदमी ये सब जिनस कखारु बहुत प्रकार सब्जी अच्छी जो एकादशी दिन आपण मैने यहाँ को सब्जी करपर बोले से एकादशी व्रत की बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।